मैंने गंभीरता के साथ लेने को संक्रमण को तीव्रता रोक्न पर्स घटाऊ लगे संक्रमण शून्य कराने पर्च संक्रमित व्यक्ति निगो पारे इसी कोविड 19 लाई अंत्य हमने अंत्य करने का विदेश लियाने क्रम र सीमा प्रवेश कर दिने जो कुछ ये जब समय हम खुला रख तब समय तो यह आई नहीं क्योंकि सीमा बट मं हम आई रहने दिख भयावह स्थिति सदैव भयावह स्थिति को भयानक संक्रमण को स्थिति तो बोक आने मेरे चालू होने इस कारण आना दिने तर आना दिखाई परीक्षण कुछ ठाव में करने संक्रमित छे भसरी प्रमाणित करने प्रमाणित नगरेसम घर जान दिने कि नदिने अब एवटा कुछ के होने कई मानस रही मध्यम वही संस्था में अत्यंत गैर जिम्मेवार देखि तो यथार्थ भादा खेल अंत खोजन गई रहने पर्द मेरे पार्टी में देखि 25 जना भाग बड़ी हमें जमा होना दिया छेन मेरे पार्टी में 450 को केन्द्रीय कमिटी तुरंत चाहिए कह बस्ने के करने सोच के तर बैठक से चाहिए भाई कुछ मेरे पार्टी में स्थायी कमिटी अलग बस्त भरे बस बाहेन रो देशप्रति जनताप्रति को गंभीर उदासीनता लापरवाही व्यवस्था करने प्रवृत्ति रहा स्वार्थ का पछाड़ी बुझने प्रवृत्ति निके व्यापक रूप में देखि ये अंत भी देखि अरुतिर देखि संचार मध्यम में देखि देश यो संकट में भैया बेला इसलिए एटा सरकार को विरोध करने मध्यम को रूप में झटापट आए थे रोकेन कोकेन रोक्य क्वारेन्टीन में राख्य राखेन कराख लकडाउन गए कें करेन लकडाउन गए कें गए अच्छे उचार मं भड़का म यति बेला सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले सुरुदेखि भन्दै जनता को जीवन भन्दा ठूलो कुरो के हुन्छ पहिलो कुरो तो जनता को जीवन रक्षा को प्रश्न हो हामी सबैले त्यस प्रश्नमा केन्द्रित हुन जरुरी छ त्यस प्रश्नमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ त्यसका निम्ति सिंह देश एकजुट होना जरूरी है मैं सुरूम भाया थे कोविड 19 का विरुद्ध को लड़ाई में हमी हर एक एटा सिपाही हर एक नागरिक हर एक देशवासी एटा सिपाही हर एक देशवासी ने अपने एटा सिपाही को रूप में भूमिका खेल जरूरी है अब कई जोखिमपूर्ण ढंग ने भूमिका खेली रखने प्रहरी में संक्रमण कें यो भादा खेल उन् सड़क में गई संक्रमित मानेस डील करूपे अनेक काम में उन्का काम संक्रमित भैर काम को ड्यूटी को क्रम में भैर रेस्क्यू कर जाना संक्रमित भर आ रिलीफ का काम संक्रमित भर आया अब पहिरो तो गएको छ पानी परेको छ बाढ़ी गएको छ तर सरकार ने बाढ़ी गएको पहिरो गएको ठाउँमा तत्काल थाहा पाउने बित्तिकै जोखिम का साथ रेस्क्यू टीम सरकार को तर्फबाट गएको छ अरु ने पनि सहयोग गरेछ तर भौतिक जगत को टिप्पणी सुनो कहाँ काठमाडौं में बसर टेलिभिजन को पर्दा अगाड़ी कैमेरा अगाड़ी बसर कहाँ सरकार भाग कता देखाने तो रेस्क्यू कर हेन पे सरकार छ कि छैन त्यहाँको जनता सोध्नु पर्यो सरकार छ कि
सरकार ने तो एकदम तदारकता का साथ ज्यान जोखिम में राखे सरकारी मानस रेस्क्यू रिलीफ पुर्या जस नदिने कुछ मानेह ज्यान जोखिम में राखे काम करो सेना का मानी प्रहरी का मानी ती भलिटियर का रूप में काम कर जनप्रतिनिधि भव्य टेलिविजन बट भव्य व्यक्तित्व का कसैले केही गरेको छैन जनता हलपत्र परेको छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि ती जो मान्छे भोकै भोकै ज्यान जोखिममा राखेर पहिरो गइरहेको छ ढुङ्गा लडिरहेको छ ती आफू गएर खटिराखेको छ त्यस्तो मान्छेहरूको चित्त त अलिक दुख्छ होला जो मान्छेहरू रिस्क बनेर काम गरिरहेको छ त्यस कारण मेरो चाहिँ आग्रह के छ भन्दाखेरि यस्ता बेलाहरूमा यस्ता प्रश्नहरूमा एउटा हाम्रो दृष्टिकोण निष्पक्ष हुने हामीले अभिव्यक्ति निष्पक्ष गरेर दिने र देश र जनताप्रति रेस्पोन्सिबल यो परिपाटी एकदमै जरुरी छ।